लंदन से आई हूँ, रशिया से नहीं। इसे प्यार नहीं, इंटरफेरेंस कहते हैं। मामा, नीचे कैब वाले को पैसे दे रही है। शनाया, अनन्या, बेटा बेडशीट चेंज कर दी? हाँ मम्मा, इम्पोर्टेड वाली बेडशीट बिछा दी। ठीक है बेटा, शनाया वो महंगी वाली क्रॉकरी भी निकाल देना। मम्मा महंगी वाली क्रॉकरी भी निकाल दी। हाँ भाई, बड़ी आवाजें शाजी आ रही हैं। क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है भाई? हाँ रमनीक, वो किसी भी वक्त आती होंगी। हेलो पा मासी। हेलो बेबी, यहाँ कितनी गर्मी है। ओह माय गॉड। हेलो पा मासी। हेलो माय गर्ल्स। हाय रूमी। पुनीत हाय। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अरे मैं तो तुम्हारे लिए खाने की तैयारी और रशियन सैलेड बना रही थी। मैं लंदन से आई हूँ, रशिया से नहीं। व्हाटएवर, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। अरे अरे सुनो, अरे पैम ये तो बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? फ्लाइट तक तो ठीक था रमी, मगर यहाँ लैंड होते ही आई हो। वैसे तो मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट 10 days का है, बट आई एम प्रेइंग कि जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं यहाँ से फटाफट वापस जाऊँ। मासी, आपको इंडिया पसंद नहीं है? माय लव, इंडिया और लंदन में जमीन आसमान का फर्क है, कभी आप वहाँ आकर तो देखो। पर पैम, अपना देश तो अपना ही होता है ना। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, गर्म पानी तो होगा ना? मैं अभी गीजर ऑन कर देती हूँ, 15 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। 15 मिनट? तुम लोग इतनी पेशेंस कहाँ से लाते हो? इट्स ओके, मैं अपने कपड़े सेट कर लेती हूँ। पापा, अगर मासी को इंडिया से इतनी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आई क्यों है? बेटा हर एक की अपनी सोच होती है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैं तो उनसे बात करने नहीं वाली। बेटा ऐसे नहीं बोलते, मेहमान भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव। लेटर। अरे आओ बैठो ना। पुनीत, आज खाने में क्या बनाया है? छोले राइस। तुम वो कितना ऑयली और अनहेल्दी खाना खाते हो। अरे पैम, तुम खाना खा कर तो देखो, पुनीत बहुत अच्छा खाना बनाती है। व्हाटएवर। अच्छा सुनो, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो मॉल चलेंगे। मॉल्स तो लंदन में भी हैं, हम किसी मार्केट चलते हैं। ठीक है, हम मार्केट चलेंगे। मम्मा पुलवाटी ने वेज पुलाव भेजा है। Oh my God, Poonam is such a savior. मतलब आज by chance राइस थोड़े कम पड़ गए थे, तो अच्छा है ना, ये कम आ जाएंगे। Oh हाँ, Poonam आंटी तो बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। हाँ, आप वो खाना नेबर्स कैसे भेजा, वो खाना खा लेते हो? हाँ क्यों नहीं, उसने इतने प्यार से भेजा है, हम क्यों नहीं खाएंगे? इसे प्यार नहीं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अरे पैम, इसे इंटरफेरेंस नहीं कहते, अगर हम ऐसे एक दूसरे की लाइफ में मतलब बातचीत नहीं करेंगे तो हम जिंदगी कैसे जिएंगे?
Whatever. Later that same evening. सब उठ क्यों गए? पैम को नींद नहीं आ रही। तो ऐसा करो बच्चों, थोड़ी देर पैम मासी के साथ खेल लो। ओके पापा, चलो अनाना दीदी चलती हैं। अरे अरे नहीं बच्चों, तुम क्यों अपनी नींद खराब करते हो? I will manage। अरे कोई नहीं मासी, पापा कहते हैं मेहमान भगवान होते हैं। हाँ जी, चलो आप कुछ खेलते हैं। मेरा दिल लगाने के लिए। थैंक यू की बात नहीं है मासी। हम बस कल आपके साथ मार्केट नहीं जा पाएंगे। आप मम्मा के साथ चले जाना। The next day. मैं आगे से कभी भी किसी भी मार्केट नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी डस्ट, इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन, सब लोग चारों तरफ से हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। मेरे खानों में दर्द हो रहा है। लुक एट माय हेयर। पर चलो आप ये बताओ कि मम्मा कहाँ है? मम्मा नीचे कैब वाले को पैसे दे रही है। अरे क्या हुआ? पूछो मत रमनी, मैं आज बहुत परेशान हो गई। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ मार्केट में? वहां पर एक लड़के ने एक लेडी के पैर पे स्टेप कर दिया और वो बेचारा लड़का सॉरी सॉरी बोलता रहा, मगर वो लेडी उस पे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसने तो सीन ही क्रिएट कर दिया पूरी मार्केट के अंदर। आई कांट बिलीव मैन, ऐसे कौन करता है? चलो छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कोई शॉपिंग वॉपिंग करी कि नहीं करी? हाँ मैंने खरीदा है, 3-4 चीजें खरीदी है। पुनीत के पास है पैकेट, मगर इन सब में ना एक चीज बहुत अच्छी हो गई आज। वो क्या? मैंने आज रात गोलगप्पे खाए। मुझे ना इंडिया में कुछ पसंद हो ना हो, यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है। पर पैम तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए थे। तुम बाहर के लोग हो, तुम्हें यहाँ का पानी हजम नहीं होगा, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हें दस्त लग जाएंगे। और मैं क्या करती, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मुझे ना मैं क्या बताऊँ, गोलगप्पे मेरी वीकनेस है। हाँ मैंने इसको बहुत मना किया पर इसने मेरी एक भी ना सुनी। पुनीत हमारे शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? हे भगवान, वो तो मैं नीचे कान में भूल आई। क्या मैंने इतनी मुश्किल से शॉपिंग की थी? मैं नीचे कान कैंप में चेक करके आती हूँ। उशा नीचे खड़ा हो, मैं आती हूँ। क्या हुआ मासी? बोला तो जा चुका है। मा
की तबीयत खराब हो गई। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। गेस द च्युइंग गम चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 फूडी पे। च्युइंग गम तो यार सबकी फेवरेट होती है। वीडियो देखने